नमस्कार, वीकेपी न्यूज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसे कि नागपुर में देखा गया है कि पिछले दो दिनों से एक जो खबर है, नाबालिग से गैंगरेप, इसने कहीं ना कहीं लोगों के दिल में सवाल खड़े कर दिए, और वो सवाल खड़े कर दिए हैं महिलाओं की सुरक्षा के मामले में। हालांकि इस पे आज राजनीति गर्मा गई है, लेकिन बहुत ही संवेदनशील विषय है ये कि आखिर नागपुर में महिलाओं की सुरक्षा पर क्या असल में सवाल खड़े कर दिए। एक नाबालिग लड़की जो घर से परेशान होकर घर से निकल जाती है, उसके बाद में उसको रेलवे स्टेशन पर कुछ लोग मिलते हैं और वो उसके साथ पहले सामूहिक अत्याचार करते हैं। हम इसमें बलात्कार का शब्द इसलिए नहीं यूज़ कर रहे क्योंकि उस पीड़िता का हम दर्द जानते हैं, इसलिए हमने आज अत्याचार का शब्द यूज़ किया हुआ है या फिर उपयोग में लाया हुआ है। वही अगर बात की जाएगी इस घटना की, उस पीड़ित लड़की को फिर रेलवे स्टेशन छोड़ा जाता है और फिर उसके साथ कुछ ऑटो चालक और वहाँ के जो हमाल होते हैं फिर उसको ऑटो में उसके साथ अत्याचार करते हैं। हालांकि अपने आप में ये बहुत गंभीर मामला है कि दो बार उसके साथ सामूहिक अत्याचार किया जाता है, जिसके बाद धरपकड़ शुरू होती है आरोपियों को पकड़ने की, और जैसे खबर आती है मीडिया में तो सबको सबका दिल दहल जाता है। हालांकि महिलाओं पर नागपुर में कितना अत्याचार हो रहा है ये खबर ये प्रतीत करती है। वही अगर बात की जाएगी महिला अत्याचार पर, तो महिला अत्याचारों पर तो खबरें तो आती रहती है, लेकिन ऐसी जो खबरें हैं जैसे कि दिल्ली का गैंगरेप या फिर हैदराबाद की वो कहानी पीड़िता की जिसमें उसको जिंदा जलाया जाता है अत्याचार करने के बाद में, और उसके बाद में नागपुर की एक खबर सही में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। और इसी मसले पर हम आज बात करेंगे हमारे स्टूडियो में। हालांकि हमने किसी गेस्ट को नहीं बुलाया, लेकिन गेस्ट के तौर पर हमारे साथ खुद हमारी को एंकर है जोया खान, जो कि हिंदी समाचार से ताल्लुक रखती हुई है और पिछले कई दिनों से वो वीकेबी न्यूज़ के लिए हिंदी बुलेटिन में समाचार दे रही है। तो उनसे ही जानते हैं और उनके मन की बात जानते हैं कि आखिर उनको कैसा लगा ये घटना के बाद में और क्या मन में चल रहा था। जो है जैसे खबर आपने पढ़ी और जैसे आपको इस खबर के बारे में पता चला कि एक लड़की, एक नाबालिग लड़की पर दो बार सामूहिक अत्याचार होता है, सबसे पहले मन में क्या आया? सर, सबसे पहले मन में तो मेरे ये सवाल उठा कि आज हम भी वर्किंग लेडीज है, हमें भी कहीं ना कहीं लेट हो जाता है घर पे जाने के लिए, तो कहीं ना कहीं हमें जब लेट होता है, हम जब रात में निकलते हैं तो सब सुनसान नज़र आता है। वक्त ऐसे आ जाता है कि हमको मजबूरन ऑटो में जाना पड़े या बस से जाना पड़े, लेकिन उस वक्त अब डर सा महसूस होने लगा है कि कहीं हम ऑटो से सफ़र करेंगे तो उस लड़की जैसा तो हमारे साथ होगा तो नहीं। ये डर अब एक मन में बैठ सा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी पुलिस फोर्स तैनात होने के बावजूद भी महिला लड़की असुरक्षित है। पत्रकारिता में आप काम करते हो, ऐसी रोजाना आपको खबरें आप खुद रीड करते हो या फिर खुद उसको लिखते हो, सबसे पहले मन में दहल देने वाली कौन सी ऐसी चीज आती है? क्योंकि दिल्ली का जो हादसा जो देखा निर्भया वाला आपने, उसके बाद में हैदराबाद जैसी घटनाएं हो जाती हैं और ऐसी जब पीड़िता की जब खबरें जो आती है तो सबसे पहले सुरक्षा व्यवस्था पर कैसे सवाल खड़े कर देते, क्या घर में परेशानी होती? क्योंकि आप घर से निकलते हो, आपके परिवार वाले, आपके हस्बैंड हो या फिर आपकी मम्मी हो या फिर आपकी सासू माँ हो, वो चिंता करने लगती है कि ऐसा कहीं हमारे बेटी के साथ ना हो जाए। तो घर से किस तरह से ये सारी चीज़ें होती है, घर वाले किस तरह से डरे होते हैं? घर वालों को तो सर डर लगा ही रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फ़र्क यही है कि हम लड़कियाँ हैं। आज भाई हो या हस्बैंड हो, अगर उनको लेट हो जाता है घर पहुंचने पर तो उन्हें कोई सवाल नहीं किया जाता है, लेकिन अगर हम या कोई कॉलेज पे पढ़ने वाली या ट्यूशन क्लास जाने वाली लड़की अगर घर जाने में लेट हो जाती है तो उसके लिए 100 सवाल खड़े हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ एक डर रहता है घर वालों के दिल में, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियां ही टारगेट हो जाती है इन सब में। हम मैंने आज तक इतने न्यूज़ दिए, रीड किए, बट कहीं पर भी लड़कों की ये घटना नहीं हुई है। जहां देखो वहां बस लड़कियों को ही टारगेट किया जाता है, चाहे वो दिल्ली का हो चाहे वो हैदराबाद का हो, हमेशा लड़कियां ही टारगेट हुई जाती है। कहीं ना कहीं मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ऐसे बहुत से मामले हैं जिन्हें हम उजागर नहीं कर पाते हैं, जिन्हें हम दबा देते हैं, इसीलिए क्योंकि आज भी लड़कियां और मर्दों में फ़र्क जाना जाता है, फ़र्क किया जाता है।
कहीं इज्जत खराब ना हो जाए, कहीं आबरू खराब ना हो जाए, उस डर से घर वाले हो या आसपास के परिसर वाले हो देखकर भी अंधेरा कर देते हैं। बस यही सब वजह है कि आज घर वालों के दिल में डर सा बैठ गया है। अमूमन जो है एक सवाल मेरे मन में हमेशा चलते रहता है, क्योंकि मेरी जब सिस्टर जब कॉलेज जाती थी लॉ कॉलेज में, तब वो हमेशा मेरे से शेयर करती थी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मैं उससे क्लोज था। वो हमेशा बोलते रहती थी कि जब वो अपने दोपहिया पर जाते हैं तो लड़के बहुत बुरी तरह से उन्हें देखते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई वाक्य बताओ कि आपके साथ में भी ऐसा कुछ हुआ हो कि घर से बाहर निकल गए हो या फिर किसी ने आपने को कमेंट्स कर दिया हो, लेकिन घर पे आने के बाद में अगर वो चीज आप पेरेंट्स को बताते हो या फिर अपने मम्मी पापा या फिर किसी भाई को बताते हो तो वो बोलते हैं कि लेट इट गो, करो, इनको छोड़ दो या फिर चुप रहो। तो ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ में जिसमें आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े या फिर आपने आवाज उठाने की कोशिश की लेकिन परिजनों के खातिर वो सारी चीजें आपको रोक देनी पड़ी? जी हुआ तो है मेरे साथ, एक ही बार नहीं बार बार हुआ है। कभी ऐसा मुसीबत आ गई हो कि मुझे अस्पताल जाना पड़े, लेकिन अगर घर में कोई अवेलेबल नहीं है तो वो मुझे ही करना पड़ता है। मैं एक वाक्य मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। एक बार मैं मेडिकल रोड से जा रही थी तो वहाँ पे कुछ दो तीन लड़के, उन्होंने मुझे जाता हुआ देख वो मेरे पीछे आने लगे, कमेंट्स करने लगे। मैं थोड़ी सी घबरा गई थी क्योंकि वो उस वक्त वक्त ऐसा था कि सब सुनसान हो चुका था, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी थी, मुझे सफ़र करना ही था, मुझे सर्वाइव करना ही था, पर मैं डरी नहीं। थोड़ा सा डर तो आ ही गया था लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं वहाँ से निकल पड़ी। लेकिन ये जब बात मैंने अपने घर वालों से शेयर की तो बात यही आई कि अब इस वक्त में, ऐसे वक्त में बाहर का माहौल ख़राब है तो आप बाहर क्यों निकली। मतलब उस पर भी हम पर ही सवाल उठाए गए, उस पर कभी घर वालों ने ये नहीं बोला कि अगर ये होता है ऐसा होता है तो आवाज़ उठानी चाहिए। आज आप हो, कल आपके जगह पे कोई और मजबूरन जिसकी मजबूरी होती है वो हो सकती है। अगर हम पीछे अपना कदम हम पीछे ले लेते हैं तो इसका उदाहरण बाकी पेरेंट्स को यही मिलता है कि कदम पीछे लेने से ही सब कुछ मामला सॉल्व हो जाएगा। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपकी पत्नी हो या आपकी बेटी हो, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स अगर आपसे शेयर करती है तो प्लीज उसे अनदेखा मत कीजिए और बाकी परिवारों के लिए भी एक उदाहरण बनिए ताकि ये सब मामले घटित ना हो। अब ये सब अपने ही हाथ में होता है कि इन सब मामलों को हम कैसे रोके। मतलब एक बात से तो आपने कहीं ना कहीं सवाल निर्माण कर दिया है कि परिजनों का जो रोल रवैया होता है या फिर रोल जो होता है वो काफ़ी अहम होता है। अगर वो लड़की को अगर सपोर्ट करते हैं तो उसको एक मॉरल सपोर्ट मिलता है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए। जो है इस जो घटना जो घटी हुई है अभी नागपुर में, जो जिसे हम डबल गैंग रेप्स के नाम से कई मीडिया सत्र चला रहे या फिर मीडिया में इस खबर की चर्चा है, इसके बाद में जिस तरह से नागपुर में लड़कियों की सुरक्षा फिर महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल निर्माण किया जा रहा है, क्या ये बात सही में है कि महिला आज डर रही है नागपुर की बाहर निकलने के लिए और उसे डर लग रहा है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये सवाल निर्माण हो ही गया है। मैं पत्रकारिता में होने के बावजूद भी मेरे दिल में ये सवाल निर्माण हो गया है, और सिर्फ नागपुर में ही नहीं, ये हर जगह की बात होती है। हर जगह आज लड़कियाँ असुरक्षित हैं। मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि इतना पुलिस फोर्स, इतना कानून लगाने के बावजूद भी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। इसकी वजह यह है कि कुछ लड़कों की सोच ही उस तरीके से हो जाती है। अगर आज हम कपड़े पहन ले, आज हमारे कपड़े पर भी कमेंट्स होने लगते हैं, आज हम जींस पहन के बाहर नहीं निकल सकते, आज हम टाइट कपड़े पहन के बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ ऐसे लड़के, कुछ ऐसे भेड़िए अपने आसपास अपने समाज में अवेलेबल है जिनकी सोच ही गंदी है, तो उनके वजह से कहीं ना कहीं आज भी लड़कियां, और इतना बड़ा जो वाकया हुआ है डबल रेप का, ये काफ़ी दहलाने वाली बात है और काफ़ी दहलाने वाली मतलब एक घटना कहेंगे हम इसे, जिसके वजह से असुरक्षा का मतलब जो एक फीलिंग होती है वो और बढ़ गई है कि कहीं ना कहीं लड़कियां आज ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत रही है, आज हर लेवल पर मर्दों से वो कदम बढ़ा रही है आगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लड़कियाँ ही असुरक्षित है। जो है जाते जाते क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस ब्रेक के बाद में हमारी को एंकर श्रुति भी बैठने वाली है, वो उनसे भी सवाल करने वाले हैं हम। जाते जाते अमितेश कुमार जी है नागपुर शहर पुलिस आयुक्त, तो उनसे क्या सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन पर भी ये सवाल कहीं कहीं खड़ा कर देता है, अगर एक लड़की के साथ अगर ऐसा होता है तो तुम्हारे साथ भी भविष्य में कभी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। आपने भी खुद बताया कि ऐसे बहुत से आशिक जो सड़क पर घूमते रहते हैं और उन पर कार्रवाई नहीं की जाती, क्या कहना चाहेंगे?
मेरा सवाल सवाल तो एग्जैक्टली नहीं बोल सकती, लेकिन एक मांग ज़रूर है। मैं यही चाहती हूँ कि लड़कियों को सुरक्षित करने के लिए एक कानून अलग सा तैयार कीजिए। जैसे बाकी के स्टेट्स में आप देखेंगे लड़कियों के लिए एक नंबर अवेलेबल हो जाता है, उनकी सिक्योरिटी के लिए एक पुलिस फोर्स का नंबर अवेलेबल होता है। मैं चाहती हूँ कि वही कानून वही लॉ यहाँ पर भी लागू हो जाए कि अगर लड़की रात के अंधेरे में या आधी रात हो जाए या 10 बजे, मतलब जितना भी उसकी मजबूरी होती है, कोई काम करती है, कोई जॉब करती है, किसी को हॉस्पिटल में काम आ जाता है, उसके लिए एक ऐसा कानून बने कि उसको एक सुरक्षित महसूस हो कि नहीं, मैं कहीं ना कहीं सुरक्षित हूँ। मेरे आसपास कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें डर है कि कहीं मेरी आबरू ना खराब हो जाए। तो मैं यही मांग करती हूँ अमितेश कुमार सर से कि एक ऐसा नंबर आप जारी कर दीजिए ताकि वो लड़कियों के लिए सेफ रहे। कहीं ऐसी घटना अगर घटित होती है या उनको डर लगता है तो वो तुरंत उस नंबर पे कॉल करके अपनी सुरक्षितता बढ़ा दे। बस तो ये थी हमारी एंकर जोया खान, जो कि खुद मांग कर रही थी नागपुर पुलिस से। जोया ने एक बात बहुत अच्छी बोली कि इस दौरान दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक शुरू है और टोक्यो ओलंपिक में आज ही अगर बात की जाएगी तो आज तीसरा मेडल भी लाने वाली एक लड़की है। 3 जो मेडल जो आए हुए टोक्यो ओलंपिक में सिर्फ केवल लड़कियों ने लाया है। फिर भी समाज का जो दृष्टिकोण है लड़कियों की तरफ देखने का बदलता नहीं है। नागपुर की घटना हो, हैदराबाद की घटना हो या फिर वो दिल्ली का निर्भया कांड हो, ऐसे में लड़कियां ही इन सारी चीज़ों में पीड़ित पाई जाती है। हालांकि 4 दीवारी के अंदर उन्हें ही रखा जाता है। फिर से मेरा उन लोगों से ये सवाल है, आखिर आप लड़कों को अपने घर में क्यों नहीं समझाते?